चलिए, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। हमने रेलगाड़ी चालू किया था और लगभग हम इसके 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम छोड़े हैं, लगातार सारे क्वेश्चनों को कर रहे हैं। कोई रिपीटेशन क्वेश्चन होता है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस के थ्रू बनाएं। तो 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आप उन क्वेश्चनों को नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बनाए हैं रेलगाड़ी नाम से, उसके अंदर आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी और आप अच्छे से चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं। लोको पायलट, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए इसके पीवाईक्यू बेस्ट होने वाले हैं। बाकी जो भी चैप्टर आगे हम कराने वाले हैं उनको भी आप पढ़िएगा, और जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट तो पहले से बना दी है। तो मेरे भाई, हम लोग 100 तक कर चुके थे, 101 से आज चालू करेंगे और बेहतरीन तरीके से सवालों को उड़ाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। तो यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। वीडियो रोक के बनाइए क्या आंसर आता है आपका, फिर प्ले करके देखिए क्या सही है क्या नहीं है, और क्या हम इसमें और शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं। सवाल को पढ़िएगा। सवाल कह रहा है, एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर की गति से 200 मीटर लंबी एक मेल ट्रेन चल रही है जो मालगाड़ी का पीछा कर रही है। कुछ समय बाद इसे वहां पीछे छोड़ देती है। कितने मिनट में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी? यानी एक दूसरे को पार करने का सवाल है और कुछ नहीं है। जैसे मैं जो बता रहा हूं इसको सुनिएगा, एक रेलगाड़ी जा रही है दोस्तों, इसकी जो चाल है ना वो दे रखी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई बात नहीं। और जो इसकी लंबाई है वो दे रखी है 250 मीटर। कितना मीटर दे रखी है? 250 मीटर। ये हो गई दोस्तों मालगाड़ी। कौन सी गाड़ी है? मालगाड़ी। इसी के साथ उसी दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी जा रही है, उसी दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी जा रही है, उसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर। उसकी लंबाई है 200 मीटर, और इस रेलगाड़ी का नाम है मेल गाड़ी। ठीक है, मेल गाड़ी मतलब रेलगाड़ी। देखो उसने खुद बोला है ना, देखो 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन, ये मेल ट्रेन है, ठीक है, और ये 200 मीटर लंबी है। और दोस्तों इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि मालगाड़ी का पीछा करती है, कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। यानी इसको समझिए मेरे भाई, ये चलती है 33 की चाल से, ये चलती है 60 की चाल से, इसकी लंबाई है 250, इसकी लंबाई है 200। तो ये जो इसकी चाल ज्यादा है ना वो मालगाड़ी को पार करेगी। इसकी चाल ज्यादा है, ये मालगाड़ी को पार करेगी, तो कितने समय में पीछे छोड़ देगी, कितने समय में पार करेगी, ये पूछा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। चैप्टर शुरू हुआ था तब से इसको लेके चल रहे हैं और आज भी चिंता है। सबसे पहले ये बताइए, एक ही दिशा में चालें घटती है, एक ही दिशा में चालें घटती है, तो यदि हम इन 10 में से 3 जाएगा तो मेरे भाई 7 बचेगा, और यहां 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कुछ नहीं किया मैंने, इनका डिफरेंस ले लिया है, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी चाल से ये उसको पीछे छोड़ेगी। अच्छा, आपको पता होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है, चाहे वो एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए चाल क्या हो जाएगी, तो 27। अब 27 को मैं गुणा करूंगा 5/18 से, क्योंकि वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको छोटका बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। दूरी यानी कि लंबाई की बात करें तो 250 और 200 कितना हो जाएगा? 450, यानी 450 हो जाएगा। समय पूछा है तो का लिखे देंगे? टी लिखे देंगे। अब आप खुद देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। 27 की चाल हो गई, छोटका बना दिए 5/18 का गुणा करके, और रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है, तो 450/t काट देते हैं। तो इसको काटते हैं मेरे भाई, 9 से काटता हूं, 9 × 3 = 27, और ये हो जाएगा 9×5 = 45। सहमत हैं? 9×5 = 45। आगे इसको काट देते हैं मेरे भाई, 3 से काट देते हैं, 3×6 = 18, और 5 से इसको काट देता हूं कितनी बार? 10 बार। अगर 10 का इधर हम गुणा कर दें तो 60 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हैं? 60 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, और 60 सेकेंड को क्या कहते हैं दोस्तों? 1 मिनट। 1 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। शानदार। तो बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी तो सवाल 1 से 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। बहुत शानदार। तेज चलने वाली रेलगाड़ी
धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकेंड में पार करती है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब यहाँ पे भी डायग्राम समझिएगा, कहीं जल्दी नहीं जाना है, समझो अच्छे से, और वीडियो जल्दी देखना तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। जैसे कि मैं आपसे बात कहता हूँ कि ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसके इसी दिशा में एक और रेलगाड़ी जा रही है, इसकी चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस रेलगाड़ी को हम नाम दे देते हैं तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी। अब मीटर समझिएगा, इस रेलगाड़ी की हमें लंबाई पूछी है तो हम मान लेते हैं एक्स मीटर, क्या मान लेते हैं एक्स मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता और ना इसकी लंबाई पता है, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि ये चलती है 110 की चाल से और ये चलती है 90 की चाल से, तो एक ही दिशा में चाले घटती है ये आप जानते हैं, तो चाले घट के क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए सहमत है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जब ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी ना तो वहां 20 की चाल से तय करेगी, कहने का मतलब इसकी 20 ज्यादा है ना तो उस स्पीड से तेज बढ़कर उसे पार करेगी। अब आगे की कहानी समझिएगा कि ये रेलगाड़ी इस ट्रेन को पार करती तो दोनों की लंबाइयां जुड़ती, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन इसमें हाईलाइट किसको किया गया है वो ध्यान से पढ़ना। इसमें बोला है तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकेंड में पार करती है, यानी इसमें एक आदमी बैठा है और वो इसे पार करती है, तो इसे पार करने में कितना समय लेगी। तो आपको बता दूं, हम लगाते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सहमत है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो मैं लूंगा 20, इसमें गुणा कर देता हूं 5/18 का। रेलगाड़ी की लंबाई में लूंगा एक्स, और मेरे भाई कितने समय में पार करती है तो 18 सेकेंड में, हम यहां 18 का भागा दे देंगे। अब लड़का कहेगा सर आपने ये एक्स मीटर लिया तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या माने, और नहीं माने तो क्यों नहीं माने। सबसे पहली बात, इसकी लंबाई एक्स मानते हैं तो इसकी लंबाई में मान सकता हूं वाई मीटर, बिल्कुल मान सकता हूं वाई मीटर, लेकिन हम वाई मीटर को नहीं लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है, अगर ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार करती तो बिल्कुल लंबाई जुड़ती, लेकिन यहाँ रेलगाड़ी को हाईलाइट नहीं किया गया, बात किसकी हो रही है, उस आदमी की, कि उस आदमी को पार कर रही है। हालांकि आदमी को पार करेगी तो ट्रेन को भी पार करेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में इंडिकेट किसको किया है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति में बैठे एक आदमी को के समय में पार करेगी, तो आदमी को पार करे या खंभे को पार करे वो नगण्य होगा। अगर आदमी की बात हो रही है तो उस ट्रेन की लंबाई भी जीरो हो जाएगी, हम उसे नहीं लेंगे। जैसे कल की क्लास आप देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आया था कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं ली थी, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा है और रेलगाड़ी आदमी को पार कर रही है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो मैंने रेलगाड़ी की लंबाई ली है ना, ये कौन सी वाली है, ये तेज वाली है, ठीक है, क्योंकि ये रेलगाड़ी इसे पार कर रही है तो इसकी लंबाई निकल के आएगी। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा 20 × 100, यानी कि 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम सरल तरीके से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, क्या बोलती कंपनी, बनाइए इसको। 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली दो मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 30 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। समांतर पटरी मतलब वो पैरेलल है, ठीक है, और विपरीत दिशाओं में चल रही है मतलब आमने सामने से आ रही है, तो दोनों मिनी रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल। अब इसको हम डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, ये बताइए चाल बराबर क्या होता है, तो सर दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सबसे पहले ये देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है और 120 मीटर है, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 200 मीटर, ठीक है। दूसरी कहानी ये बताइए, ये चाल है 20 मीटर पर सेकेंड, ये चाल है 30 मीटर पर सेकेंड, और विपरीत दिशा की बात हो रही है तो चालें जुड़ेगी के घटेगी। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है और एक ही दिशा में चालें घटती है,
है ना। तो ये बताइए 30 और 20 कितना होगा, 50। तो चाल हो जाएगी 50 बराबर। दूरी की बात करें तो 120 और 80 कितना होगा, 200। और बोला है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो टी समय। सहमत है, टी समय। ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, हम 5/18 का गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दिया है, तो यूनिट पहले से छोटी है तो उसको काहे छोटी बनाएंगे, और ये मीटर है तो आंसर सेकंड में आएगा। डायरेक्ट काटते हैं 5 × 20, तो टी इधर आ जाएगा, तो टी का जो मान आएगा ना वो 4 सेकंड हमारा आंसर होगा, 4 सेकंड हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बल्ले बल्ले, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 104 लीजिए सर, एक बहुत ही अद्भुत सवाल। क्वेश्चन नंबर 104, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, उनकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। देखो भैया, सापेक्ष चाल निकालते हैं, यदि वह एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घटा देंगे, विपरीत आ रही है तो चालें जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आप ये बताइए सवाल में कि विपरीत दिशा का सवाल है कि एक ही दिशा का, तो सर विपरीत दिशा का है, और विपरीत दिशा में चालें क्या होती है, तो जुड़ती है। तो पहली चाल है 50, दूसरी चाल है 58, तो दोस्तों ये जुड़ के कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। एक और बात, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इनका जो योग आएगा वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखो मजे लिए गए हैं, आपको सभी ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटका बनाना हम जानते हैं। तो 108 में हम गुणा कर देंगे 5/18 का, 5/18 का गुणा कर देंगे तो चाल छोटकी हो जाएगी, 18 × 6 = 108 और 5 × 6 होगा 30, 30 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर वंस अगेन बी। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अच्छा सवाल होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2022, इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों और बनाइए। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। ठीक है, जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। क्योंकि इसका बेसिक करेंगे तो बड़का भी हो जाएगा, और आप किताब में देख के कर सकते हैं बेसिक मेथड से। मैं आपको एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। अगर आप मुझसे चाल दूरी पढ़े हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, वो क्वेश्चन में लिखी है, हम आपको बताते हैं। एक ही समय पर जब समय कॉन्स्टेंट होता है ना, तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है, जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है, जब भी समय बराबर होता है। तो इस प्रकार से सवाल 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा, हम बात करते हैं दो रेलगाड़ी है, ये हो जाएगी ए और ये हो जाएगी बी। अगर मैं बात करूं इसकी चाल है 30 और दोस्तों इसकी चाल कितनी है, 35 है। सही है क्या, 35 है। अब अगर मैं बात करूं ये किसका रेशो है, तो सर ये चाल का रेशो है ना, चाल का ही तो बन रहा है। और चाल का अगर मैं रेशो निकालूं तो कितना हो रहा है, 5/6 = 30 और ये हो जाएगा 5/7 = 35। मैं पूछूं ये किसका अनुपात है दोस्तों, तो ये चाल का अनुपात है, और जो चाल का अनुपात है वो दूरी के अनुपात के बराबर होगा, यानी मेरे दूरी का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 6/7। क्या हो जाएगा, 6/7। इसने बोला एक दूसरे की ओर बढ़ती है, जब वे मिलती है तो यहां पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की। यानी ये जो है ना 30 किलोमीटर, ये दूरी का अंतर है। किसका अंतर है, हम लिखे दे रहे हैं दूरी का अंतर, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन तुलनात्मक बात हो रही है ना। तुलनात्मक बात कैसी हो रही है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी, यानी एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 300 किलोमीटर कम दूरी तय करी, कंपेरिजन ही तो हो रहा है। यहाँ देखो, एक रेलगाड़ी ने दूसरी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी, यानी दूसरी वाली ने पहली से 30 किलोमीटर कम दूरी तय करी।
दूरी का अंतर है ये, तो दूरी के अंतर को हम दूरी के अंतर से काटेंगे। ये बताइए इसमें अंतर कितने का है, एक का। तो जब एक का भागा देंगे ना, तो एक का भागा देने पे कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम निकालते हैं, उसने बोला दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, टोटल दूरी बताना है, तो हम इन दोनों को जोड़ के गुणा कर देंगे, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 3 39 यानी 390 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रेशो मेथड से इसको आसान बनाया जा सकता है। देखो क्या ये भी वैसा ही है क्या, ये अलग है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब यहाँ पे लंबाई निकलेगी दूसरी की, क्योंकि वो व्यक्ति को पार नहीं कर रही, रेलगाड़ी को पार कर रही है। जैसे कि सम्मुख मतलब होता है सामने से, ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है, वो रेलगाड़ी इधर से आ रही है, समझने की कोशिश करना। ये रेलगाड़ी की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोस्तों वो है 250 मीटर और इसकी लंबाई हमसे पूछी है तो मैं बोलता हूं x मीटर। क्या बोलते हो, x मीटर, सहमत है। और ये दोनों एक दूसरे को पार करने में है ना, दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ये जो रेलगाड़ी है एक दूसरे को कैसे सेकंड में पार करती है, तो 10 सेकंड में, समय 10 सेकंड दिया है, ले देखे ये बात आती है। चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा ये बताइए सम्मुख मतलब सामने से आ रही है, तो इनकी चालें क्या होगी दोस्तों, जुड़ेगी, चाले जुड़ेगी। तो 100 और 62 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 162, लेकिन इसको छोटका बनाना ही पड़ेगा, 5/18 का गुणा करके, 5/18 का गुणा करके, साथ ही 250 में x जोड़ देंगे हम लोग, बिल्कुल जुड़ेगा। तो 250 में हम कितना जोड़ते हैं, x जोड़ देते हैं, और ये बताइए कितना समय लेती है, तो 10 सेकेंड, एक दूसरे को पार करने में 10 सेकेंड लेती है। काटते हैं इसको, किससे काटे मेरे भाई, 2 से काटो क्या, 2 9 18, 2 8 16, 2 1 2 और बताइए सर, और आप 9 से काटो इसको डायरेक्ट, ये हो जाएगा 99 81, 5 का इधर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 50 और 9 5 45 यानी 450, 450 बराबर हो जाएगा 250 प्लस के x, और जो x होगा वही दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, सहमत है। तो यदि ये दोनों का डिफरेंस ले लें तो डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 200 मीटर, 200 मीटर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107, दो ट्रेनों को समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि उनकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक ट्रेन की चाल बताइए। बढ़िया है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, इसके विपरीत ये ट्रेन चल रही है। अच्छा लंबाई बताइए, इसकी लंबाई है सर 120 मीटर और इसकी लंबाई है 140 मीटर है ना। अब हमें चाल नहीं दे रखी, तो इसकी चाल हम मानते हैं एक्स मीटर पर सेकेंड, इसकी भी क्या मानते हैं एक्स मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैं मीटर पर सेकेंड में इसलिए मान रहा हूं, ऑप्शन भी मीटर पर सेकेंड में है और ये मीटर में है, समय सेकेंड में है, तो चाल मीटर पर सेकेंड में डायरेक्ट आ जाएगी। दोनों एक दूसरे को पार करती है के सेकेंड में, तो दोस्तों 10 सेकेंड में, ये सवाल हमें सवाल में गिवन है, समय 10 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे बोला है प्रत्येक ट्रेन की चाल बताओ, लेकिन ऊपर एक बात बोली है समान चाल से चलती है, तो जिसकी चाल x है तो इसकी भी x, इसकी y तो इसकी भी y, इसकी 10 तो इसकी भी 10, इस प्रकार से है ना, तो हम दोनों को सेम माने हैं। अब आप ये बताइए हमारा वही तरीका, चाल बराबर दूरी बटा समय, वंस अगेन चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर मैं बात करूं x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चालें तो जुड़ेगी ना, आमने सामने से आ रही है ट्रेनें, 120 और 140 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 260, सहमत है 260 हो जाएगा, और समय कितना है तो 10 सेकेंड। अब देखो क्या करा हमने, हमने करा चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, तो रिश्ता पक्का हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे काट देते हैं मेरे भाई, तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, दो से काटेंगे तो कितनी बार, 13 बार, तो जो एक्स का मान आएगा वो 13 आएगा, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की जो चाल होगी ना वो हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 108, क्या कह रहा है ये सवाल। दो ट्रेन पी और क्यू जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर है, एक दूसरे की ओर चल रही है। यदि पी और क्यू क्रमशः 35 मीटर पर सेकेंड और 45 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ग्रुप डी 2022। अब आपको देखना है कि चालें जुड़ेगी या घटेगी, आपको देखना है लंबाई जुड़ेगी या घटेगी, और आपको समय निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ऐसा टाइप अभी शुरुआत में ही हुआ था जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, आप देख सकते हैं सवालों को। ठीक है, इसको करिएगा, जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा। हम चलते हैं आगे सवाल पे, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 109, फिर से मजेदार कहानी। क्वेश्चन नंबर 109, दो रेलगाड़ी क्रमशः पी और क्यू से एक ही समय पर, लीजिए भैया एक ही समय पर, जब भी समय बराबर होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है, ऐसा हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे बात करते हैं, चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तब पहली ट्रेन दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, पी और क्यू के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पे मैं वही बात कहूंगा कि सर ये 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है ना, तो ये दूरी का अंतर है, दूरी का अंतर है कितना है, अधिक बोले या कम बोले या तुलनात्मक बात हो रही है। ठीक है, तो ये दूरी का अंतर कितना दे रखा है, 80 किलोमीटर, सहमत है 80 किलोमीटर। अच्छा चाल देखें तो पी और यहाँ लिखे दे रहे हैं क्यू, इसकी चाल है 40 और दोस्तों इसकी चाल कितनी है, तो सर 30 है। ठीक है, यहां से हम चाल का रेशो निकालते हैं, तो चाल का रेशो निकाले तो शून्य से शून्य खत्म, ये हो जाएगा 4:3। तो चाल का रेशियो कितना है, 4:3, और जो चाल का रेशियो है वही दूरी के रेशियो के बराबर होगा, वही दूरी के रेशो के बराबर होगा, क्या हो जाएगा, 4:3। अच्छा ये बताइए इसमें अंतर कितने का है, एक का, तो एक से यदि इसको भागा दे तो 80 ही मिलेगा, 80 ही मिलेगा, जो पूछे उसका गुणा कर दो। हमसे बोला P और Q के बीच की दूरी बताइए, तो यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल ऑफ डिस्टेंस मिल जाएगा, 4 और 3 कितना होता है, 7, 7 और 8 हो जाएगा 56, यानी 560 है क्या ऑप्शन में, 560 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 110, लग रहा है ये वैसा ही सवाल है, धुआंधार मेरा पर। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर क्या बात है, ए और बी से चलना शुरू करती है, वे क्रमशः 85 किलोमीटर और 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो यहाँ पाया जाता है कि बी से चली रेलगाड़ी ने ए से चली रेलगाड़ी की तुलना में 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, उनके बीच की दूरी बताइए। ठीक है, वैसे ही सवाल है ना, हम यहाँ पे देखते हैं, ये जिन्हें ए लिखा यहाँ बी लिखा, हम देखते हैं इनकी चाल है 85 और कितना है 105, हम बोलते हैं ये क्या है, तो दोस्तों ये चाल है, ये चाल है, इसको पहले काटते हैं थोड़ा सा अच्छे से, तो मुझे लग रहा है 5 से काट दीजिए, 5 से 17 बार और 5 से कट जाएगा सर 21 बार, यही चाल का अनुपात है और यही दूरी का अनुपात है, क्योंकि जब भी समय बराबर होगा तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होगा। चलिए, हमें दूरी का अंतर कितना दिया है, 200 किलोमीटर, कितना दिया है 200 किलोमीटर, तो ये बताइए इसमें अंतर कितना है, भाग देते हैं इसके अंतर से, सॉरी है ना, अंतर ही है ना, हाँ बिल्कुल, रेलगाड़ी की तुलना में अंतर ही दे रखा है, तो यहाँ पे देखें 27 और 4 का अंतर है यहाँ पे, है ना, 17 और 21 में 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। चलिए 4 से काटते हैं तो 4 और 5 20, यानी 50 मिलेगा, 50 मिलेगा, हमसे टोटल दूरी पूछी है ए और बी की दूरी, तो ये दोनों को जोड़ के
हम गुणा कर देते हैं, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 2 और 1 कितना हो जाएगा तो 3। ये हो रहा है 5 और 8 40 की 0 हासिल 4, 5 3 15 और 4 19, 1900 किलोमीटर होना चाहिए आंसर, 1900 किलोमीटर आंसर होगा 1900। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप देख लीजिएगा, 1900 किलोमीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा सवाल आया है, एक शानदार सा। देखिए एनटीपीसी 2021 क्वेश्चन क्या कहा है, हमें तो एक लाइन समझ में आ रही है यहाँ पे कि एक ही समय का मतलब यही होता है कि जब समय कॉन्स्टेंट है ना तो चाल का रेशियो दूरी के अनुपात के बराबर होगा। इस सवाल को देखिएगा, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशन से एक ही समय एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ी, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया आया वो सवाल है, और एक मैं बताऊंगा दूसरा आप खुद कर लेंगे, ये भरोसा है आप पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये हम बनाते हैं, ये हमारा हो गया स्टेशन ए, नाम दिया क्या, दो स्टेशन, ठीक है नाम हम दे देते हैं, ये स्टेशन ए हो जाएगा, ये स्टेशन बी हो जाएगा, सहमत है। 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यानी यहां से लेकर यहां डिस्टेंस टोटल कितना है 200 किलोमीटर, समझना अच्छे से, 200 किलोमीटर एक ही समय पे निकली, एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है, यानी कि एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से चल रही है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब एक और बात क्या बोली हमें कि इनमें से है ना, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पे वो मिलती है। मान लीजिए यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी 110 किलोमीटर है, ऐसा आप मान लीजिए 110 किलोमीटर है, तो ये बताओ यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, तो 200 में से 110 जाएगा तो 90 किलोमीटर आएगा, कह दो कि झूठ है ये, 90 किलोमीटर आएगा, तो यहां से यहां की दूरी है 110 और यहां से यहां की दूरी कितनी है तो 90 है, ठीक है। एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात बताइए, उनकी चालों का अनुपात बताइए। अच्छा इसकी दूरी जो है इसने कितनी तय करी, 110 किलोमीटर, और मेरे भाई इधर से हम देखें जब ये 110 चली तो ये कितना चली होगी 90, सहमत है, ये कितना चली होगी 90, क्योंकि दोनों मिला के 200 हो रहा है ना। चलो अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 0 11:9, यही मेरा आंसर होगा, 11:9 यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ये क्या हुआ सर डायरेक्ट, तो 110 और 90 का हम रेशियो निकाले तो 11:9 आया। अब बोलोगे सर ये तो दूरी का अनुपात है, यस जो दूरी का अनुपात है वही चाल का अनुपात है, जो दूरी का अनुपात है वही चाल का अनुपात है, इसकी वजह, तो वजह तुम हो, कौन, समय, समय कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार का एक और सवाल है उसको भी देखिए, मैं समझाऊंगा, आप इसको पढ़ना बस, वीडियो रोक के कि सवाल क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 112, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात बताइए। देखो सेम वही काम कर रहे हैं हम लोग, समझना, यहां मैं लिखता हूं देखना स्टेशन ए और यहां लिखता हूं स्टेशन बी, अगर मैं पूछूं टोटल ऑफ डिस्टेंस तो 250 किलोमीटर कितना है, 250 किलोमीटर ये यहां से। अब देखो एक रेलगाड़ी इधर चली और दूसरी आ रही है सामने से, यही बोला है क्या, हाँ बिल्कुल आ रही है। अब बताइए ये रेलगाड़ी जो चली पहली किसी स्टेशन से, ये यहां से यहां तक चली मान लीजिए 130 किलोमीटर, कितना चली 130 किलोमीटर है ना, और उधर से वो चली है तो वो कितना चली होगी कोई लड़का बताएगा, तो 250 में से घटाते हैं 0 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा,
और सर दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यानी ये चली 120 किलोमीटर, ये चली 120 किलोमीटर। तो हमने आपसे बात करके पूछे कि ये कितना चली होगी, तो 130 किलोमीटर। हम आपसे पूछे ये कितना चली होगी, तो 120 किलोमीटर। ठीक है, इसका अगर मैं रेशो निकालता हूँ, तो 0 से 0 खत्म कितना होगा, 13:12, 13:12। यही किसका रेशो है, चाल का रेशो है, क्योंकि ये दूरी का भी रेशो है, समय कांस्टेंट है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो 13:12 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी।